वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ क्योंकि अभी है दोपहर का समय और आज हमने लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही कर लिया, ब्रंच। और आर्श भी लगा हुआ है अपने खेलों में क्योंकि आज है संडे, तो ये भी अपने खेलों में लगा हुआ है। अनुज भी चले गए थे गेम, तो हमारा ब्रेकफास्ट आज सुबह नहीं हुआ, सीधा ब्रंच ही हो गया है। और मैंने भी आज फिर आराम से ही बनाया, और क्योंकि आर्श को रहता है सैटरडे संडे पास्ता पास्ता या पोहा वगैरह, तो अभी इसको शाम को पास्ता खिलाया जाएगा। और हम बाहर खाने चलते हैं, नो बाहर नहीं जाना आज बेटा। और अनुज भी ले आए हैं सब्जियां, तो मैं सब्जियों को भी रख रही हूँ फ्रिज में साफ करके, तो एक हफ्ते की सब्जी जो है ना वो इकट्ठी आ जाती है। मैं अभी इनको मैंने अच्छे से वॉश करके साफ कर दिया है और इनको मैं रख भी दिया है। अब जब जैसे जैसे बनानी होगी ना वैसे वैसे बना लेंगे, क्योंकि ये मंडे लगती है संडे को, तो पूरा एक हफ्ते का इकट्ठा ही आती है सब्जी, बार बार कौन चला रहे। और फ्रूट्स वगैरह सब जो भी मैंने फ्रिज में लगा दिया है, आज तो मेरा फ्रिज पूरा भरा। अभी हम करेंगे रेस्ट। आज हमने आपको पता ही है लंच नहीं बनाया था क्योंकि आज लंच ब्रंच दोनों इकट्ठे किया था, अभी बना रहे हैं कुछ खाने में। तो मैं बना रही हूँ पास्ता और साथ में बना रही हूँ कुछ, मेरे पास पनीर है। तो आर्श बोल रहा है कि मेरे को चिल्ली पनीर खाना है, तो अपने स्टाइल में थोड़ा इसको बना रही हूँ। पहले पास्ते को बना लेती हूँ। और पास्ते को हेल्दी बनाने के लिए मैंने गाजर वगैरह जो है ना इसमें बिल्कुल ग्राइंड करके डाल दी है ग्राइंडर में, क्योंकि अर्श सब्जियां से खाता नहीं है, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसको पता भी नहीं चलेगा और खा भी लेगा ये वेजिटेबल्स भी। कर लूंगी मैं प्याज और शिमला मिर्च का मैं रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज, और थोड़ा सा ही मेरे पास पनीर था तो मैंने इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। और मेरा ऑयल हो गया है गर्म, तो इसको मैं थोड़ा बना रही हूँ चाइनीज़ स्टाइल में, तो इसके लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, सरसों का नहीं। और इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले गार्लिक, और इसको ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि चाइनीज़ जो डिशें होती है ना वो थोड़े कच्चे कच्चे ही उसमें चीज़ें रखी जाती हैं। अब डाल दूँगी इसमें प्याज, और प्याज को भी हम नहीं भूनेंगे बिल्कुल भी, बस हल्का हल्का इसको ऐसे चलाना है बस थोड़ी देर। और इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी मैं नमक, और अब मैं डाल दूंगी इसमें सोया सॉस, क्योंकि इसको हमने चाइनीज में बना रही हूँ। और थोड़ा सा डाल दूंगी चिल्ली, चिल्ली कम ही डालूंगी क्योंकि बच्चा खाएगा। और जो मैंने फ्राई किया है पनीर शिमला मिर्च प्याज वो इसमें डाल दूंगी। बनके मेरा रेडी हो गया है, इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और अभी सर्व कर दूंगी। पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है और अर्श भी बिल्कुल खाने को रेडी है, और साथ में बना दिया है इसको मैंने चिल्ली पनीर, और थोड़ा सा केचप डाल देती हूँ, वैसे तो इसमें केचप डाला है बेटा। चलो खाओ खाओ मुन्ना, अर्श टेस्ट करके बताओ कैसा है बताओ।
आप भी करो टेस्ट। इसको पूछो पहले, ये बाबा जी की तरह बैठ गए। ये गुस्सा है कि फोन नहीं दिया है, फोन यार खाते टाइम थोड़ी लेते हैं। और दूसरी बात इसकी पसंद का बनाया है सब, बराबर ही है। नहीं हाँ अच्छा काम है, उसको लग रहा था इंगा बैठा थोड़ा नीचे। आइडिया, क्यों हुआ? फोन आइडिया। फोन नहीं खाते लेते, पर लगेगा नहीं, कैसे बना है? यमी, और ये भी मस्त। टेस्ट करो, ये अर्श को नहीं देंगे क्या? फोन अर्श को भी देंगे, अर्श के लिए तो बनाया है मैंने। हाँ मांगेगा तो नहीं देंगे। अर्श, अर्श ऐसे नहीं करते। ये भी बहुत पाओ अच्छा है। करो ट्राई। तो फ्रेंड्स सभी हम करते हैं एंजॉय पास्ता और चिली पनीर। और फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से घर में ही छोटे छोटे डिश बना सकते हैं, और बच्चे बड़े खुश होके उनको खा लेते हैं, और खुद घर में बनाएंगे तो वो हेल्दी भी होती हैं। और जैसे पनीर वगैरह भी, सब्जी, कैप्सिकम पनीर, थोड़ी वेजिटेबल भी बच्चे खा लेंगे। ऐसे तो आजकल बच्चों को खिलाना वेजिटेबल बहुत मुश्किल है। मैं लग पड़ी हूँ अभी शाम के खाने की तैयारी करने, और अर्श भी गया है खेलने, तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। और इसकी रेसिपी तो मैंने आपको पहले वीडियो में दी हुई है, तो अभी टाइम है तो मैंने सोचा यहीं पे बैठे बैठे मैं सब्जी काट लेती हूँ। पेंटिंग मंगवाई थी और अभी मैंने लगाई नहीं थी, तो अभी अनुज इसको लगा रहे हैं, तो इसी वॉल के लिए इन्होंने मंगवाई है कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अभी इसको ही हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे ना वॉल बहुत खाली खाली लगती थी, जो अच्छी नहीं लगती थी देखने में, तो अभी थोड़ा कुछ लगेगा, धीरे धीरे कर रहे हैं डेकोरेशन। वॉल पे वॉल पेंटिंग लग चुकी है, और अभी वॉल देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। जैसे इस पे पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक थी ये दीवार, तो देखने में काफी बेजान सी लगती थी, और अभी सुंदर लग रही है। धीरे धीरे कर रहे हैं पूरे घर की डेकोरेशन, और जो जो समझ में आ रहा है। तो अभी करते हैं हम डिनर की तैयारी, और उससे पहले देखो बेटा खेल के आया है, इसको कितना पसीने से और कोल्ड हो रखा है, कोई फिक्र नहीं है, और कपड़े चेंज कर रहे हैं थोड़ा फ्रेश हो, और बोल रहा है बाहर चलो खाने, घर में बना रही हूँ तेरी फेवरेट डिश। आज बैग कर लिया पैक, और अभी इसने कल स्कूल भी जाना है, तो इसको बैग कर लेते हैं पैक, और फिर बनाएंगे डिनर। कढ़ाई पनीर मैंने बना दी है, और यहाँ पे मेरी बन रही है रोटी। आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग रोटी, धनिया स्प्रिंकल करके ऊपर से। मैंने शाम की पूजा भी कर ली, और अनुज और अर्श भी आरती करके चले गए। मैं खाना बना रही थी, अभी मैंने भी कर ली। अर्श को कुछ नया नया खाने का शौक रहता है, बाहर खाने का, कि अभी भी पीछे पड़ा था कि मम्मा चलो चलो, मैं बोला आज मैंने आपको घर पे ही खाएंगे, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उसे थोड़ा कोल्ड भी था। चौर पनीर की सब्जी और धनिए की रोटी, तो अभी इनको खाने को देती हूँ। अर्श चलो उठो बेटा, खाओ आप भी। अच्छा था, खाओ आप। कैसा बना है? अच्छा है, अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे नॉर्मल रोटी होती है उससे अलग सी है, अब धनिया का टेस्ट भी आ रहा है। हाँ अच्छी लग रही है। मेरा वो था कि वो तवा रोटी बनाने का, वो क्या बोलते हैं, तंदूर वाली, लेकिन दही नहीं था, फिर मैंने सोचा ऐसे कुछ नया करते हैं ऐसे धनिया लगा दी। उड़ जा, बन गया है, और इनको मैंने सर्व कर ही दिया। अब मैं भी खाती हूँ और अर्श को भी खिलाती हूँ, क्योंकि इसके बच्चों का पता ही है आपको, जितना भी कुछ कर ले इनका खिलाना बहुत बड़ा महाभारत है, और तो उसी के लिए नए नए ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं कुछ ना कुछ। और अभी मैं भी डिनर कर लेती हूँ, और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।